हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ एक और फ्रेश न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। तो गाइस, आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है अगर स्मोक ग्रेनेड का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप किसी भी सिचुएशन से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पता नहीं हमारे बाइक के साथ क्या ग्लिच हो गया था, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया क्या कैसा दिख रहा था चलाने पर भी। तो ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा था, बाकी टीममेट को सही दिख रहा था बाइक। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने रिकॉल टावर पे दो तीन बंदे हैं, तो यहाँ पे मैंने चार नंबर फोर को मना किया आगे जाने से, लेकिन वो तो चला गया। अब देखते हैं क्या होता है, इस सिचुएशन से कैसे निकल पाते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने दो तीन ग्रेनेड स्मोक ग्रेनेड कर दिया है क्योंकि मुझे आगे जाना है। मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी बंदे हैं पहाड़ी पे, जो कि मुझे पता नहीं था पहले। तो यहाँ पे मेरे ऊपर शॉट्स आते हैं दो तीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मोक की वजह से मैं यहाँ पे बच चुका हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज भी पड़ा था, लेकिन उन एनिमी को लगा होगा कि हम कुछ ज़्यादा डैमेज है, तो उन्होंने हमारे ऊपर सीधा अंधा पुश कर दिया। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को तो ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे हमारा एक टीममेट हो चुका है नॉक और दूसरा हो चुका है नॉक एंड फिनिश, तो उसको रिकॉल करके तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आगे आ चुके हैं और जोन भी काफ़ी छोटा हो चुका है, हमें किल भी निकालने हैं। और यहाँ पे घरों पे दो तीन बंदे बैठे हैं जो कि सिंगल शॉट पे काफ़ी बुरा डैमेज दे रहे थे। तो यहाँ पे मेरे पास स्कोप बड़ा था नहीं, तो 4x से ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा था, मैं उन पर शॉट कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे अचानक से मेरे ऊपर दो बंदों ने पुश कर दिया बग्गी लेके। तो यहाँ पे पीछे से विवेक ने काफ़ी अच्छा कवर दिया, नहीं तो मेरे यहाँ पे लग जाने थे। भाई हेड फिर से पड़ा घर वाले का। तो यहाँ पे मैंने एनिमी के क्रेट से उठाया मिनी और कोशिश करता हूँ उनको डैमेज देने की। एक तो मुझे यहाँ बंदे भी दिखाई नहीं दे रहे थे घरों पे, पता नहीं कौन से कोने में छुपे बैठे हैं। यहाँ पे मुझे बंदे भी स्पॉट नहीं हो रहे थे और वो लोग मुझे काफ़ी बुरा डैमेज दे रहे थे। कटा जो ड्रॉप के पास वाला डिप होल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जोन भी कट चुका है और हमारे पास सिचुएशन बहुत बुरा है, तो हमारा टीममेट कहता है कि यहाँ पे ड्रॉप साइड डीप पे जाके हमें होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी कवर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टीममेट को बोला कि आप आगे जाओ, मैं यहाँ से उनको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा कवर मिले। लेकिन 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 यहाँ पे ऑलरेडी खाई पे डीप पे ऑलरेडी बंदे बैठे थे, एक स्क्वाड ऑलरेडी पहले से ही कैम्प करके बैठे थे, जो कि उनको नंबर थ्री को फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे मुझे पता लग चुका था कि लास्ट जोन में मिनी लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, स्नाइपिंग तो कर नहीं पाएंगे इतनी बिना कवर के, कवर अवर तो है नहीं, तो यहाँ पे स्नाइपिंग करना मुश्किल है। तो मैंने यहाँ पे एनिमी के क्रेट से गन चेंज करके मिनी चेंज करके M4 उठा ली। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास कवर अवर कुछ भी नहीं है और जोन भी कट चुका है, आगे से भी बंदे आ रहे हैं और हमें भी आगे जाना है। तो यहाँ पे कुछ स्मोक उठाया मैंने, स्मोक बहुत काम आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एक टीममेट हो चुका है फिर से नॉक। तो यहाँ पे गाइस उधर 6 बंदे हैं, यानी कि 2 स्क्वाड और हम यहाँ पे 3। तो हमारे यहाँ पे अब कवर तो है नहीं, तो स्मोक ही हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबके पास एक एक शील्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को डैमेज तो दे दिया, लेकिन उसने अचानक से शील्ड लगा दी और बच गया बेचारा। तो यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी के लिए शील्ड तो लगा ली, लेकिन यहाँ पे हमें पड़ने वाला है बहुत गंदा डैमेज। तो यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और अचानक से दूसरा बंदा मेरा टीममेट आके आगे से शील्ड लगा देता है, तो क्या ही बताऊँ मैं। तो मैं उसको फिनिश करने के चक्कर में लगा हूँ ताकि वो नॉक फिनिश हो जाए, रिवाइव ना मिले उसको। तो यहाँ पर अचानक से इसने शील्ड लगा दी, मुझे तकलीफ़ हो गई डैमेज देने में।
तो यहाँ पे हमारे ऊपर इतना गंदा स्प्रे हुआ कि हमारे सील भी टूट गए और यहाँ पे हमारा बंदा भी दोबारा से नॉक हो गया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो स्मोक हमें कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे नंबर टू ने उनका एक बंदा नॉक कर दिया, तो हमें टाइम मिल रहा है थोड़ा सा हील अप होने का। तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि मेरे लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है जो कि गॉड गन लेके बैठा है गाइस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेफ्ट जाता हूँ लेकिन नंबर टू को वो गॉड गन वाला मार देता है। तो यहाँ पे MG3 लेके कहाँ पे सांप बैठा है पता नहीं, तो यहाँ पे उसके डर पे मुझे भी सांप बनना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसे है गाइस, करो या मारो, क्योंकि हमारे आगे बंदे हैं और हमारे पास कवर नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा फिनिश कर दिया उन्होंने, तो गाइस यहाँ पे लास्ट बंदा था इसको मैंने फिनिश कर दिया और हमें मिल चुका है चिकन डिनर। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया कि स्मोक के इस्तेमाल से आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। तो गाइस बाकी चीज़ें कम रखो, स्मोक कम से कम 6 तो रखो, मैं तो हमेशा से 6 ही रखता हूँ। ओके तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।